मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट बिट्टू शाह आपसे स्वागत करते हैं शिवा न्यूट्रिशन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक कैप्सूल के बारे में जिस कैप्सूल का नाम है डॉक्सीलेव। डॉक्सीलेव नाम है तो इसमें रहता है डॉक्सीसाइक्लिन और भी कंपोजिशन रहते हैं। अब हम जान लेते हैं डॉक्सीलेव किस प्रकार के समस्याओं में उपयोग किया जाता है। बैक्टीरिया संक्रमण इससे इलाज किया जाता है। बैक्टीरिया संक्रमण जो भी व्यक्ति है उसको इससे इलाज किया जाता है डॉक्सीलेव से। और अगर आपको हाइजा के प्रॉब्लम है तभी आप डॉक्सीलेव कैप्सूल को भी सेवन कर सकती हैं, वो भी डॉक्टर के सलाह अनुसार। और अगर आपको निमोनिया हुआ है तभी आप इसको सेवन कर सकती हैं डॉक्सीलेव कैप्सूल को। डॉक्सीलेव को एक एंटीबायोटिक दवा है जिसको बैक्टीरिया संक्रमण में उपयोग किया जाता है। अगर बैक्टीरिया संक्रमण घाव पुंछी या यूरिन इन्फेक्शन और भी सारे प्रॉब्लम होते हैं तो भी आप इसको उपयोग कर सकते हैं। यह एक एंटीबायोटिक दवा है, इसका कोई लिमिट नहीं है किसमें इसका प्रॉपर यूज किया जाएगा। और आप इसको सूजन में भी उपयोग कर सकते हैं। हम जान लेते हैं डॉक्सीलेव टैबलेट को कैसे सेवन करते हैं। डॉक्सीलेव टैबलेट के आप एक टाइम सेवन कर सकते हैं रात में या दिन में भी सेवन कर सकते हैं भोजन करने के बाद। अब हम जानते हैं डॉक्सीलेव का इस मतलब साइड इफेक्ट, डॉक्सीलेव कैप्सूल का साइड इफेक्ट, इसका कौन कौन सा साइड इफेक्ट है। लाल चेकता अगर आप खाते हैं तो जिसको नहीं बोलते हैं रिएक्शन कर गया तो उसमें भी मतलब इसका वो साइड इफेक्ट है, लाल चेकता कर सकता है, सिर में दर्द थकान टाइप का महसूस होगा। हम जानते हैं डॉक्सीलेव कैप्सूल में कौन सा कंपोजिशन डाला होता है। इसमें पहला कंपोजिशन डाला होता है एम्ब्रोक्सोल और दूसरा कंपोजिशन डाला होता है डॉक्सीसाइक्लिन। अब हम जान लेते हैं डॉक्सीलेव के कौन सी कंपनी में आती है। डॉक्सीलेव को कंपनी में आती है लेबोरेट फार्मास्यूटिकल प्राइवेट कंपनी इसको बनाते हैं। अब हम जानते हैं डॉक्सीलेव टैबलेट को एमआरपी है कितना टैबलेट का। 10 टैबलेट की एमआरपी है 53 रुपया, आप किसी मेडिकल स्टोर पर परचेज कर सकते हैं। अब हम और बता दे रहे हैं डॉक्सीलेव कैप्सूल को बैक्टीरिया संक्रमण में उपयोग किया जाता है और कुछ खास बीमारी में उसको उपयोग करते हैं, जैसे यूरिन इन्फेक्शन, आपको सूजन हो गया है, आई इन्फेक्शन या इसी प्रकार से कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, इसी बीमारी भी हुई है तो इसमें इसको उपयोग किया जाता है डॉक्सीलेव कैप्सूल को। और यह कैप्सूल एक बेस्टिंग कैप्सूल है, आप इसको उपयोग कर सकते हैं वो भी डॉक्टर सलाह अनुसार। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।